हेलो स्टूडेंट बेटा, आज चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, उसकी कुछ पॉइंट्स को आपको फिर से रिवीजन कराने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ये, तो आप देख सकते हैं थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर कौन कौन से होते हैं। आपको वैसे ही पता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज और इनकी डिस्क्रिप्शन आपको समझाते हैं। सबसे पहले देखें लेसन ऑब्जेक्टिव क्या है। एट द एंड ऑफ लेसन यू शुड बी एबल टू डिस्क्राइब द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस स्टेट्स ऑफ मैटर। जैसे ही ये लेसन एंड होगा, आप इस काबिल हो जाएंगे कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट्स को आराम से डिस्क्राइब कर सके। ओके, तो व्हाट इज मैटर, डेफिनेशन पे आते हैं। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस। कोई भी वो चीज जिसके अंदर मास, जो मास रखती हो और वो स्पेस, जगह घेरती हो, इसका मतलब वो है मैटर। ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। टाइनी पार्टिकल्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। एटम हो या मॉलिक्यूल्स हो या आयंस हो, इन्हीं से मिलके जो है मैटर बनते हैं। यूज ऑफ द जनरल टर्म पार्टिकल्स मीन्स प्रिसाइज नेचर ऑफ द पार्टिकल डज नॉट हैव टू बी स्पेसिफाइड। मतलब हमने एटम की साइज को नहीं बताना, मतलब कहने का मकसद ये है कि जब सारे एटम्स मिल जाते हैं, ये सारे मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं, तो हमारे पास जो है वो एक मैटर बन जाता है। मैटर कैन एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट्स। तीन स्टेट्स के अंदर मैटर एग्जिस्ट करता है, एक सॉलिड, लिक्विड और गैस। दीज थ्री फॉर्म्स ऑफ मैटर आर कॉल्ड द स्टेट्स ऑफ मैटर। जब आपको तीन नीचे फॉर्म नजर आ रही हैं, ये तीनों स्टेट्स है मैटर की। जैसे कि यहाँ पे हमने एक बीकर के अंदर रखा आइस, फिर हमने एक बीकर में रखा है वाटर को, और अब आप देख सकते हैं एक बीकर के अंदर ये भाप यानी स्टीम बन रही है, इसका मतलब ये है गैस। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, दीज आर द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर जो हमने वाटर के अंदर आपको दिखाया। अब एक टॉपिक आता है इसके अंदर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जिसको हम कहते हैं। वो क्या बोलती है? द काइनेटिक थ्योरी ऑफ पार्टिकल इज अ मॉडल यूज टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अगर हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर को पढ़ लेते हैं, तो हमें प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को एक्सप्लेन करना आ जाएगा। काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर क्या कहती है? ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स एंड दे एग्जिस्ट एज एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन। जितने भी मैटर्स हैं, जो आपको पहले भी बताया कि वो बने किन से हैं, छोटे से पार्टिकल से बने हैं। वो छोटे पार्टिकल्स कौन से होते हैं? एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं और आयंस होते हैं। द पार्टिकल्स आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय अट्रैक्टिव फोर्स। ये जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, क्योंकि इसमें एक अट्रैक्टिव इंटरमोलिकुलर फोर्स जिसको हम कहते हैं वो, या फिर एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है जो इनको आपस में जोड़े रखती है। अब वो फोर्स कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकता है, आयोनिक बॉन्ड भी हो सकता है, मेटेलिक बॉन्ड भी हो सकता है, वैंडरवेल फोर्स भी हो सकती है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो सकता है। ये सारी क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स होती है जो इनको जोड़े रखती है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है, द पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन कंटिन्यूअस रैंडम मोशन एंड हेंस पजेस काइनेटिक एनर्जी। जितने भी पार्टिकल्स होते हैं एक स्टेट मैटर के अंदर, वो हमेशा मोशन के अंदर होते हैं, चाहे वो मोशन वाइब्रेटरी हो या स्पीड अप की मोशन हो, लेकिन मोशन में रहते हैं। ये हमें बता रही है काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। द काइनेटिक थ्योरी ऑफ एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इंक्रीज, यानी काइनेटिक एनर्जी होती है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। अगर हमें कोई भी मैटर हमारे पास है, उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी जरूर, बेशक उसमें वाइब्रेटरी मोशन हो, होगी जरूर वो पार्टिकल। अगर हम उसका टेम्परेचर या प्रेशर बढ़ा दें, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी, मूवमेंट ऑफ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या एटम्स है, वो बढ़ जाता है। द हायर द टेम्परेचर एंड प्रेशर, द फास्टर द पार्टिकल मूव। जितना हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, हमारे पार्टिकल उतना ही फास्टर मूव करेंगे। एट फिक्स टेम्परेचर लाइटर पार्टिकल्स मूव फास्टर देन हेवियर पार्टिकल। अगर हमारे पास दो तरह की गैसेस हैं, एक जो है वो हेवियर गैस है और दूसरी जो है वो लाइटर गैस है, टेम्परेचर दोनों का सेम है, जो लाइटर गैस होगी वो फास्ट मूव करेगी और जो हेवियर गैस होगी वो स्लोअर मूव करेगी। ठीक है, नेक्स्ट। द पार्टिकल इन अ सब्सटेंस आर द सेम टाइप इन सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट। अच्छा, जो पार्टिकल हमारे पास सॉलिड, लिक्विड और गैस में होते हैं,
अगर सॉलिड के पार्टिकल हैं तो सारे एक जैसे होंगे, लिक्विड के पार्टिकल है तो सारे एक जैसे होंगे, गैसेस के पार्टिकल होंगे तो सारे एक जैसे होंगे। ऐसा नहीं है कि गैसेस के अंदर हम सारे पार्टिकल अलग अलग देख रहे हैं, ठीक है ना, गैसेस के पार्टिकल तो सब गैसेस होंगे। देयर अरेंजमेंट सब एक जैसी, इनकी सबके अरेंजमेंट एक जैसी होती है। हाउ स्ट्रॉन्गली द पार्टिकल आर हेल्ड टूगेदर, सारे एक ही तरीके से अट्रैक्ट होंगे। द अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी दैट दे पजेस, वो भी एक जैसी होगी, काइनेटिक एनर्जी भी सबकी एक जैसी होगी अगर एक ही स्टेट की हम बात करें तो। अब काइनेटिक थ्योरी क्या बताती है, काइनेटिक थ्योरी कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लेन हाउ सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस डिफर इन मूवमेंट एंड अरेंजमेंट। काइनेटिक थ्योरी से हमें यह पता चलता है कि सॉलिड की मूवमेंट अलग होती है, लिक्विड की मूवमेंट अलग होती है, गैसेस की मूवमेंट अलग होती है, इनकी अरेंजमेंट भी सबकी अलग अलग होती है। नाउ आप देख सकते हैं थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर की डिफरेंस। देखो प्रॉपर्टीज हमारे पास है, वॉल्यूम होती है इनकी, शेप होती है इनकी, कंप्रेसिबिलिटी मतलब इनको कितना फोर्स करके दबा सकते हैं, इनकी डेंसिटी होती है, डेंसिटी के साथ साथ पैकिंग एंड अरेंजमेंट बिटवीन पार्टिकल्स, किस तरीके से पार्टिकल एक दूसरे के साथ अरेंजमेंट है। अगर हम सॉलिड की बात करें तो इनकी वॉल्यूम फिक्स्ड होती है, शेप फिक्स्ड होता है, कंप्रेसिबिलिटी, ये कंप्रेस नहीं हो सकते, किसी भी सॉलिड चीज को आप दबाओ दबेगा नहीं, वेरी डेंस होते हैं ये, क्लोजली पैक्ड इन ऑर्डर होते हैं, ठीक है। उसके बाद लिक्विड की बात करें तो इनकी वॉल्यूम फिक्स होती है, शेप जो है वो फिक्स नहीं होती, ये कंप्रेसिबल होते हैं, लिक्विड को हम कंप्रेस कर सकते हैं, किसी थेरी में डालें आप उसको ऐसे दबा सकते हैं तो वो कंप्रेस हो जाएगा, इसके साथ साथ वो डेंस भी होता है लेकिन इससे ज्यादा नहीं होता। सॉलिड जो है वो ज्यादा डेंस होता है, लिक्विड थोड़ा कम डेंस होता है, क्लोजली पैक्ड होते हैं लेकिन ऑरेंज इतनी ज्यादा क्लोजली नहीं जितने सॉलिड होते हैं। सॉलिड के अंदर अरेंजमेंट जो है वो ऑर्डरली होती है लेकिन लिक्विड में जो अरेंजमेंट होती है वो डिसऑर्डरली होती है। अब गैसेस के ऊपर आते हैं, गैसेस नॉट फिक्स्ड शेप, ना तो उनकी वॉल्यूम फिक्स्ड है ना ही इसका शेप फिक्स्ड है, कंप्रेसिबल है क्योंकि स्पेस ज्यादा होता है तो कंप्रेस हो सकते हैं, नॉट डेंस, ज्यादा डेंस नहीं होते ये, और इनके मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है, फार अपार्ट इन रैंडम अरेंजमेंट। अब इसकी को डायग्रामेटिकली आप फिगर देख सकते हैं, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन, सॉलिड के मॉलिक्यूल करीब करीब है आप देख सकते हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल थोड़े दूर दूर हैं और अरेंजमेंट भी प्रॉपर नहीं है, और गैसेस के मॉलिक्यूल तो बहुत ज्यादा ही दूर दूर है। अब आपको मैं कुछ मोशन इनके दिखाऊंगा, ये अब आप देख सकते हैं तीन हमारे पास स्टेट है, सॉलिड स्टेट की मोशन वाइब्रेटरी है, लिक्विड में थोड़ी ज्यादा मोशन होती है और अरेंजमेंट प्रॉपर होती नहीं है, और गैसेस की तो मूवमेंट बहुत ही ज्यादा होती है क्योंकि वो एक दूसरे से डिस्टेंस के ऊपर ज्यादा होते हैं, दैट्स व्हाई गैसेस की जो मॉलिक्यूल है ना तो इसका वॉल्यूम होती है ना ही शेप। नेक्स्ट, अब ये एक अरेंजमेंट दिखाई जा रही है, देखें किस तरह से अरेंज हुआ है, प्रॉपर एक क्यूब के अंदर हमने सॉलिड को एटम्स को बंद किया है, ये प्रॉपर अरेंजमेंट के अंदर ऑर्डर में अरेंज है, लेकिन लिक्विड के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एक दूसरे से प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज नहीं होते, कुछ वहां निकल रहे हैं, कुछ यहाँ निकल रहे हैं, कुछ यहाँ निकल रहे हैं, क्योंकि इनकी मोशन थोड़ी ज्यादा होती है सॉलिड से, और गैसेस के मॉलिक्यूल तो बहुत ही दूर दूर होते हैं एक दूसरे से, तो इसी वजह से इनके मूवमेंट भी ज्यादा होती है। नाउ सॉलिड की फिगर आप देख सकते हैं, ये हमारा सॉलिड है आइस और ये इसकी अरेंजमेंट है, फिर पार्टिकल इसमें क्या है, क्लोज टूगेदर है। अब आप देख सकते हैं सॉलिड में पार्टिकल क्लोज टुगेदर इन एन ऑर्डरली अरेंजमेंट होते हैं, और सॉलिड के साथ साथ इनकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लें, पार्टिकल्स वाइब्रेट ओनली अबाउट फिक्स पोजीशन, इनकी जो वाइब्रेशन होती है एक फिक्स पोजीशन पे होती है, दिस वाइब्रेशन इंक्रीज है टेम्परेचर इंक्रीज, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनकी वाइब्रेशन भी बढ़ जाएगी, मतलब वो थोड़ा और ज्यादा मूव कर सकते हैं तेजी से। द डिग्री टू विच द पार्टिकल मूव इन इज डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ एनर्जी they have and their relationship to their particles, मतलब इनकी जो एनर्जी है ना वो इनकी अरेंजमेंट के ऊपर डिपेंड करती है कि वो किस तरीके से अरेंज है, जितने ज्यादा क्लोज अरेंज होंगे तो उनकी जो एनर्जी होगी वो उतनी कम होगी, जितने ज्यादा अगर वो मूव थोड़े डिस्टेंस पे होंगे तो वो थोड़ा ज्यादा मूव करते हैं, उनकी एनर्जी ज्यादा होगी। The particles have less energy than particle in liquid and gases, ठीक है ना, सॉलिड के अंदर जो है पार्टिकल ज्यादा प्रॉपरली अरेंज होते हैं इसी वजह से उनकी लेस एनर्जी होती है, लिक्विड में थोड़ी एनर्जी ज्यादा होती है इसलिए मूवमेंट ज्यादा होती है, गैसेस में तो बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस होता है तो इसलिए मूवमेंट भी ज्यादा है तो ज्यादा एनर्जी होगी गैसेस।
स्ट्रॉन्ग फोर्स बिटवीन पार्टिकल, क्योंकि अब ये पार्टिकल एक दूसरे से काफी करीब है, क्यों, क्योंकि इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्स प्रेजेंट है, तभी जो है ये जो है दूसरे के साथ काफी डिस्टेंस इनका कम होता है। लिक्विड की बात करें तो ये लिक्विड है, वाटर आप देख सकते हैं, तो ये हमारे पास लिक्विड के अरेंजमेंट है पार्टिकल्स की। पार्टिकल इसमें अब आप देखें क्या लिखा हुआ है, पार्टिकल क्लोज टूगेदर हैं लेकिन इतने ज्यादा नहीं जितने सॉलिड में होते हैं। इनकी ऑर्डर जो है, उनकी जो अरेंजमेंट है वो डिसऑर्डरली है, कोई देखें किसी ऑर्डर में नहीं है, बस कोई भी कहीं पे भी लगा हुआ, ठीक है ना, तो इनकी ऑर्डरली अरेंजमेंट नहीं होती। लिक्विड की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़े, पार्टिकल्स वाइब्रेट एंड मूव, वाइब्रेट भी करते हैं और मूव भी करते हैं थ्रू आउट द लिक्विड, पूरे लिक्विड में। पार्टिकल इन लिक्विड हैव मोर एनर्जी देन सॉलिड, इनकी जो एनर्जी है वो ज्यादा होती है सॉलिड से लेकिन गैसेस से लेस होती है। स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है क्योंकि इसमें भी मॉलिक्यूल कुछ हद तक करीब होते हैं सॉलिड से, थोड़े कम लेकिन करीब होते हैं। उसके बाद ये गैसेस के पार्टिकल हैं, आप देख सकते हैं बहुत दूर दूर हैं। और पार्टिकल्स आर अरेंज फार अपार्ट एंड इन रैंडम मूवमेंट, ये जो है पार्टिकल्स दूर दूर हैं और इनकी मूवमेंट ये कहीं भी मूव कर सकते हैं। पार्टिकल वाइब्रेट एंड मूव एनीवेयर, ये कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। पार्टिकल गैसेस हैव मोर एनर्जी, इनकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है सॉलिड से भी और लिक्विड से भी, क्योंकि इनके पास डिस्टेंस ज्यादा होता है तो तेजी से मूव करते हैं, ज्यादा मूव करेंगे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होगी। एंड नो फोर्स, अब इनमें क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं हो रहे इसलिए मतलब इनके दरमियान नो फोर्स, कोई फोर्स प्रेजेंट नहीं होती। अब ये एक और, अब आप देख सकते हैं चेंजेस स्टेट सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड टू गैस, हमें चेंज करने के लिए क्या चाहिए होता है, हीट चाहिए होता है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉलिड का तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। मेल्टिंग, सॉलिड से लिक्विड में जाने को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं। लिक्विड से गैसेस में जाने को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग एंड एवापोरेशन। और अगर रिवर्स करें, अगर हम एवापोरेशन से यानी गैसेस से वापस लिक्विड में आएंगे उसको क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। और लिक्विड से सॉलिड में जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं। और अगर डायरेक्टली सॉलिड से डायरेक्टली गैसेस में कन्वर्ट हो, सॉलिड से डायरेक्टली गैसेस में कन्वर्ट हो, इट इज नोन एज सब्लिमेशन, ठीक है ना। सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस इन विच सॉलिड डायरेक्टली चेंज इन टू गैसेस, दिस इज नोन एज सब्लिमेशन। और अगर हम गैसेस से वापस डायरेक्टली सॉलिड में आए तब भी इसको कंडेंसेशन ही कहते हैं, ओके। अब आप पहचाने ये क्या होगा, हमारे पास सॉलिड होगा, ये लिक्विड होगा और ये गैस होगा, ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर कैन बी इंटर कन्वर्टेड विदाउट चेंजिंग इट्स कम्पोजिशन। अब याद रखें कि अगर हम सॉलिड से लिक्विड आ रहे हैं ना तो ऐसा नहीं कि इसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, ये एक फिजिकल चेंज होता है। अगर ये H2O है लेकिन ये मॉलिक्यूल H2O की क्लोज क्लोज है, लेकिन अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये लिक्विड बन जाएगा लेकिन रहेंगे H2O ही, और हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब गैसेस बन जाएगा तब भी H2O ही रहेगा, इसकी कंपोजिशन चेंज नहीं होती। क्योंकि ये जो चेंज आ रही है इसमें सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, इसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं। फिजिकल चेंज में कंपोजिशन चेंज नहीं होती, मतलब फॉर्मूला सेम रहता है। चेंज ऑफ स्टेट्स एंड काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी हमने पढ़ा, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, बॉइलिंग, कंडेंसेशन के बारे में, ये इसकी एग्जाम्पल्स एक दफा और, ओके बेटा। तो ये था आज आपका टॉपिक था, और देखें वीडियो को, मजे की है, आपको समझ में आएगी इंशाल्लाह। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।